सर ये इनसॉल्वेंट कौन होता है, ये सॉल्वेंट कौन होता है, ये बैड डेट्स क्या होते हैं, ये इनसॉल्वेंसी क्या होती है, ये बैंकरप्सी क्या होती है। सर ठंड लग रही है, पहले तो आप एसी बंद करो। अभी ठीक है, फीलिंग बेटर, जैकेट सेकेंड पहनो, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे। इनसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इज द बिजनेस एंटिटी हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ देयर डेट्स। गो एयर इज फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी। बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी मतलब भाइयों जितनी लाइबिलिटीज हैं वो मीट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। SVB, सिलिकॉन वैली बैंक, दे फाइल फॉर बैंकरप्सी। फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक, दे फाइल फॉर बैंकरप्सी। किंगफिशर एयरलाइंस, दे फाइल फॉर बैंकरप्सी। जेट एयरवेज, दे फाइल फॉर बैंकरप्सी। रिलायंस, अनिल अंबानी ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज, दे फाइल फॉर बैंकरप्सी। कुछ रियल एस्टेट कंपनीज, दे फाइल फॉर बैंकरप्सी। व्हाट डू यू मीन बाय बैंकरप्सी फाइल करना? बैंकरप्सी फाइल करने का मतलब होता है गवर्नमेंट में जाके सरेंडर करना कि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको मीट करने के लिए हमारे पास सफिशियंट एसेट्स नहीं है, उनको मीट करने के लिए हमारे पास सफिशियंट एसेट्स नहीं है। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, उस सिचुएशन में जो बंदा है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब अ पर्सन और एंटिटी अनएबल टू पे देयर डेट्स। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज व्हिच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। लाइबिलिटीज हैं 100 करोड़, एसेट्स हैं 50 करोड़, यू बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बिजनेस रन करने के लिए पैसा बचा नहीं है। ओके, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स और अ बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे क्या है, एसेट्स आर मोर देन द लाइबिलिटीज, एसेट्स आर मोर देन द लाइबिलिटीज। ओके, तो आप सॉल्वेंट हो। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी अ सिचुएशन इन विच अ बिजनेस एंटिटी इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स, नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स। क्लियर? इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, इंसॉल्वेंट इज द बिजनेस एंटिटी हु इज इन दैट सिचुएशन। सॉल्वेंट, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजिशन है, टेंशन की कोई बात नहीं, खाओ पियो ऐश करो। सर ये बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं, कह रहे आपने 50 लोगों से लेने हैं, कह रहे कितने लेने हैं, कह रहे 50 लाख रुपए लेने हैं, सबसे 1-1 लाख रुपए लेने हैं। अब उनमें से एक आध नहीं रहा, भगवान को प्यारा हो गया, तो क्या करें? डेटर्स में रखें उसे, रिसीवेबल्स में दिखाना सही होगा? नहीं, सही नहीं होगा। अब तो वो पैसे कहाँ ही मिलेंगे, लोग जीते नहीं जीते जी नहीं देते, मरने के बाद तो कहाँ ही वो पैसे मिलेंगे। तो उनको क्या मान लो, बैड डेट्स। भाई साहब उन पैसों को आप भूल जाओ। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, इररिकवरेबल। सर ये डिस्काउंट और बैड डेट्स में क्या फर्क होता है? डिस्काउंट आप खुशी खुशी देते हैं, बैड डेट्स मजबूरी में हो जाते हैं। किसी से मैंने 50 लाख लेने थे, 49 में हिसाब क्लोज करते हैं खुशी खुशी। अब वो खुशी खुशी था या जैसा भी था, बट आपने अपनी मर्जी से दिया, तो वो डिस्काउंट की कैटेगरी में आ जाता है। वो पैसे डूब गए, वो पैसे मिलने ही नहीं है अब, वो बैड डेट्स की कैटेगरी में आते हैं। कोई डाउट? टर्मिनोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं।